नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। प्रदेश में इन दिनों जिधर भी देखें लोग गठबंधन की बात करते नजर आ रहे हैं और इसी गठबंधन का नतीजा गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर में आए चुनावी नतीजे हैं, जिसके बाद से ही सपा बसपा के लोग उत्साहित हैं। वहीं दूसरी ओर बसपा के बड़े नेता अभी भी गठबंधन की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कल देर शाम बसपा प्रदेश अध्यक्ष आर एस कुशवाहा नवली गांव पहुंचे और पीड़ितों से मिले। इस दौरान जब मीडिया ने सपा बसपा गठबंधन पर सवाल किया तो बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अभी किसी गठबंधन की कोई घोषणा नहीं हुई, आप लोग गठबंधन की बात करते हो। गठबंधन जब होगा तब राष्ट्रीय नेता तो उनका हमारा या कहीं जिससे भी गठबंधन होगा तय करेगा। अभी तो जमीन पे कहीं गठबंधन नहीं दिख रहा। घटना के पत्रकारों को जिस तरह से कवरेज करने से रोका गया, इस पर क्या कहेंगे आप? अभी ये तो यहाँ के पुलिस प्रशासन से आप पूछे, इसका जवाब उनके पास है या माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के पास है। आप पत्रकारों की आवाज को कुछ बुलंद कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। हम तो किस स्तर पर करेंगे? विधानसभा में बुलंद करेंगे आपकी आवाज को कि आपको दबाया जा रहा है। आप सही घटना आप लोग निकालें तो, अगर आप लोग सही घटना की निकालें तो निश्चित रूप से हमारे गरीबों को और न्याय मिलेगा। ये गरीब जो दलित हैं, इनकी इलाज के लिए पार्टी ने कुछ सहयोग आर्थिक सहयोग दिया? बिल्कुल सहयोग किया है पार्टी तरफ, सहयोग किया जा रहा है, आगे भी किया जाएगा। अब ये गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।